Hello everyone, welcome back to your own channel that is Edu Grown. This is Richard Shumar, your social science educator. As you know that हमने हमारे channel पे class 9 and 10th के लिए new session start किया है जिसके अंदर हम full course complete करवाने वाले हैं वो भी free of cost. साथ के साथ में ये जो आपका course है उसको इस हिसाब से design किया गया है जिसके कारण आपका foundation course में भी आपको क्या मिल सके, help मिल सके बच्चा, okay? एंड साथ के साथ में आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है कि अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अब इजीली नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे जाके. ओके, क्या करना है आपको, आपको सिर्फ विजिट करना है हमारी वेबसाइट पे जाके जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज आपके स्क्रीन के नीचे भी दिख जाएगा. ओके बच्चा, सो अब मैं यहाँ भी आपको बता देती हूँ www.edugrown.in इस पर आप जाएंगे, इस पर जाके आप विजिट करेंगे तो क्लास 9th एंड 10th के किसी भी सब्जेक्ट्स के किसी भी चैप्टर्स के नोट्स को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. साथ के साथ में मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा शेड्यूल चेक किया होगा. अगर नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ. एज यू नो दैट कि मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाऊंगी एंड साथ के साथ में मैं MWF में क्लास 9th को एंड TTS में क्लास 10th को सोशल साइंस पढ़ाने वाली हूँ. ओके, सो एज यू नो दैट टुडे इज द थर्सडे, सो किसका टर्न है, आज क्लास 10th का टर्न है जिसके अंदर हम सोशल साइंस का कौन सा सब्जेक्ट कर रहे थे, आपका ज्योग्राफी करने वाले हैं, उसका चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसका ये चैप्टर नंबर 9 है. ओके, जिसके अंदर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बताने वाली हूँ, वो भी इसका पार्ट 2 है ये. ओके, इसके पहले वाले प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के 3 सॉइल के जो क्लासिफिकेशन थे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी डिटेल में. ओके, कौन कौन से थे वो, आपके आपके एलोवियल, आपका रेड एंड येलो एंड आपकी ब्लैक सॉइल. ओके, इन 3 सॉइल के बारे में हम पढ़ चुके थे. अब बाकी की जो आपकी 3 क्लासिफिकेशन बची है उसको हम यहाँ इस वाले वीडियो के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ के साथ में आप जो आपका बेल आइकन है उसको भी हिट कीजिएगा जिसके कारण आपका कोई भी नोटिफिकेशन क्या ना हो सके, मिस ना हो सके. साथ के साथ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को. सो एज यू नो दैट मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल का पार्ट 2 पढ़ाने वाली हूँ. ओके, जिसके अंदर मैं आपको जो 3 टाइप्स की सॉइल बाकी हैं उनके बारे में बताऊंगी, लैटरेट सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल एंड एरिड सॉइल. इन 3 सॉइल के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस वाले लेक्चर का रिवीजन करवा देती हूँ क्योंकि ये एक तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल का सेकेंड पार्ट है. ओके, तो मैं आपको छोटा सा रिवीजन करवा देती हूँ. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल क्या होता है बच्चा. जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल होता है वो कुछ फैक्टर के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जो आपका सॉइल फॉर्मेशन है उस सॉइल फॉर्मेशन के होने में कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं. कुछ फैक्टर्स के कारण ही सॉइल को क्या किया गया, क्लासिफाइड किया गया. वो क्या क्या है, आपके कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है. इन सारे चीज़ों के कारण ही हमने क्या किया है, सॉइल का क्लासिफिकेशन किया है डिफरेंट टाइप्स के अंदर. किसकी हम बात कर रहे हैं, इंडिया कंट्री के अंदर. ओके, हम इंडिया के सॉइल के क्लासिफिकेशन को हम पढ़ने वाले हैं. ओके, सो एज यू नो दैट देयर आर 6 टाइप ऑफ सॉइल इन योर चैप्टर. ओके, अगर मैं आपके चैप्टर की बात करूँ, आपके कोर्स की बात करूँ तो बच्चा उसके अंदर 6 टाइप के सॉइल्स होते हैं आपके. फर्स्ट एलोवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटरेट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल एंड एरिड सॉइल. ओके, 1 by 1 हम देखते हैं. अब ये जो आपकी 3 सॉइल है उनको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी इन्हें अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, तो आप उसके लिए मेरी प्रीवियस वाली वीडियो को आप चेक कर सकते हैं. यहाँ मैं सिर्फ आपको छोटा सा रिवीजन करवाऊंगी. ओके, क्विक रिवीजन जिसको हम बोलते हैं. तो द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन आर मेड ऑफ एलोवियल सॉइल, ठीक है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एलोवियल सॉइल तो वो कहाँ होती है आपकी, वो मैक्सिमम नॉर्दर्न प्लेन के इधर मिलती है आपकी. ओके, एंटायर नॉर्दर्न प्लेन. और अगर हम इसके अलावा बात करें तो आपके राजस्थान, गुजरात, ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है, और पर्टिकुलरली बोला जा रहा है आपकी जो डेल्टाज हैं, कौन कहाँ की डेल्टाज, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स के जो डेल्टा हैं वहाँ आपकी ये क्या होती है, आपका एलोवियल सॉइल पाया जाता है. एंटायर नॉर्दर्न प्लेन एंड क्या बोल सकते हो आप, राजस्थान, गुजरात, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं आपके वहाँ, या फिर ये जो आपकी 4 नदी हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी,
ये जो चार फ्रेंड्स है ना, इनके जो डेल्टा बनता है वहां, ठीक है, फ्रेंड्स मतलब कि रिवर आपकी, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। और ये जो एलिवल सॉइल है वो कहाँ डिपॉजिट होती है, वो स्पेशली थ्री हिमालयन रिवर रिवर सिस्टम जो है वहां डिपॉजिट होती है, ठीक है। कौन कौन सा आपका? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, राइट। नाउ इसके अंदर क्या क्या होता है आपका? सैंड, सिल्ट एंड क्ले होता है। ये आपकी जो एलिवल सॉइल है, ठीक है, इसको टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हम बोल सकते हैं किसके बेसिस पे? उसके एज के बेसिस पे, ठीक है। तो जो ओल्ड वाली है ना उसको क्या बोलते हैं? भंगार, ठीक है। ओल्ड वाली मतलब वो खराब हो गई, भंगार हो गई लाइक, ठीक है। और न्यू वाली को हम क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। अब जो ओल्ड है तो वो ऑब्वियसली बात है उसकी फर्टिलिटी क्या होगी? कम होगी। और जो न्यू है उसकी फर्टिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, राइट। तो इसमें भी यही बोला जा रहा है जो खादर है वो क्या है, उसमें फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिसके कारण उस सॉइल की फर्टिलिटी ज्यादा होती है कंपेरिजन टू ओल्ड वाली से, ठीक है बच्चा। नाउ ये सारी चीजें मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और अगर हम इसके न्यूट्रिशन की बात करें तो इसके अंदर पोटेश, फॉस्फेरिक एसिड, लाइम, ये सारी चीजें मिलती हैं। और ये किसके लिए अच्छी मानी जाती है? किन क्रॉप्स के लिए अच्छी मानी जाती है? शुगर केन, राइस, वीट एंड पल्सेस, इनके ग्रोथ के लिए ये सूटेबल होती है, हम बोल सकते हैं, ओके। अब जो आपकी सेकेंड कैटेगरी थी वो थी ब्लैक सॉइल, ओके बच्चा। ब्लैक सॉइल इट मीन्स वो ब्लैक इन कलर है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो किसके लिए सूटेबल है? ब्लैक सॉइल जो है वो स्पेशली कॉटन के लिए बोला जाता है, बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, ओके। इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, ओके। तो अगर आपसे पूछा जाता है कॉटन सॉइल किसको बोला जाता है, तो ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। बिकॉज जो ब्लैक सॉइल होती है वो एक तरह से बोला जाता है वो आइडल होती है किसके लिए? कॉटन की ग्रोथ के लिए, ओके। और अब ये जो आपका फॉर्मेशन की हम बात करें, ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन की, तो किस किस से मिलके बनती है? एक तो क्लाइमेटिकल कंडीशन, और साथ के वहां का जो पेरेंट रॉक मटेरियल है उसकी वजह से, ओके। नाउ अब हम देखें कि ये कहाँ कहाँ होती है, तो फाउंड इन द प्लेटियो ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। ऑल्सो अलोंग दी गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज, ये इतनी सारी जगह आपको मिलती है इंडिया के अंदर, ओके। और इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ ये भी लिखा है, द टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकली ऑफ द डेक्कन ट्रैप बसाल्ट रीजन, स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लो, ठीक है। किससे बनी हुई है आपकी? लावा फ्लो से बनी हुई है, ओके। और ये जो ब्लैक सॉइल होती है वो बहुत ज्यादा फाइन होती है, ठीक है, क्ले मटेरियल चीज होती है, इसलिए, ठीक है, फाइन होती है, बहुत ज्यादा फाइन होती है, इसलिए इसके अंदर मॉइस्चराइजर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, ओके। अगर आपसे पूछा जाता है कौन सी आपकी सॉइल सबसे ज्यादा मॉइस्चराइजर को होल्ड कर सकती है, तो वो आपकी ब्लैक सॉइल होती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा फाइन मटेरियल होता है एक तरह से उस सॉइल का, ठीक है, और हम बोल सकते हैं क्ले मटेरियल होता है, लाइक, गॉट इट। नाउ ब्लैक सॉइल इज न्यूट्रिशन रिच एंड कंटेन, अभी हम इसमें बोला जा रहा है इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, या बोल सकते हैं ये किस चीज में अच्छी होती है, या न्यूट्रिशन कौन कौन से इसके इसके अंदर होते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेश एंड लाइम, ओके। और इसके अलावा एक और आप किस में बोला जा रहा है, ये जो सॉइल होती है वो इतनी ज्यादा फाइन होती है, तो इसके अंदर जैसे ही बारिश आती है, प्री मानसून आता है, तो एक तरह से कैसी हो जाती है? वो स्टिकी टाइप की हो जाती है, ठीक है, गॉट इट। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑलरेडी क्ले मटेरियल होता है ना बच्चा, इसलिए वो बहुत ज्यादा फाइन होती है, क्ले मटेरियल होता है ना, तो जैसे ही प्री मानसून होता है उसके ऊपर, तो बोल सकते हैं ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड, उस टाइम पे क्या होता है, ये बहुत ज्यादा स्टिकी टाइप की हो जाती है, मतलब उस पर फिसलने का डर ज्यादा रहता है, ओके। नाउ रेड एंड सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल के बारे में मैंने आपको बताया था। ये जो सॉइल होती है वो किसकी वजह से होती है आपकी, किस एरिया में होती है? जहाँ लो रेनफॉल होती है, ईस्टर्न एंड साउथ सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, ओके। और ये एक तरह से किससे बनी हुई होती है, हम बोल सकते हैं इग्नीशियस जो रॉक होते हैं वो इस सॉइल के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसका जो रेडिश कलर है वो क्यों है? क्योंकि आयरन की वजह से, ठीक है, किसके वजह से? आयरन की वजह से, मेटामॉर्फिक जो रॉक है उनकी वजह से, गॉट इट। तो ये येलो, वो ये क्या बोलना चाहिए, ये रेड कलर की क्यों है? क्योंकि आयरन की वजह से, गॉट इट, क्योंकि वहां के जो रॉक है उनके अंदर आयरन ज्यादा होता है, इसलिए इसके जो सॉइल का कलर है वो भी कैसा होता है? रेड होता है आपका, ओके।
इट लुक येलो व्हेन इट अकर इन अ हाइड्रेट फॉर्म. ओके, अब जैसे कि बोला जा रहा है यहाँ ये रेड एंड येलो कलर की होती है, तो रेड कलर की कब होती है, जब ये ड्राई होती है, और जैसे ही इसके ऊपर पानी आ जाता है, रेनफॉल गिर जाता है, तो ये क्या हो जाती है, हाइड्रेटेड हो जाती है. अब ये हाइड्रेट फॉर्म में हो जाती है तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है, रेड से येलो में हो जाता है. ओके, अगर आपसे पूछा जाता है कि आपकी कौन सी सॉइल कलर चेंज करती है या फिर कब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, तो जब वो येलो कलर की होती है तब वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है. या ये भी पूछ सकते हैं कि येलो कलर कब होता है, जब उसके ऊपर क्या हो जाता है, बारिश हो जाती है. ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं वो सॉइल कैसी हो जाती है, हाइड्रेटेड हो जाती है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है बच्चा. ओके, नाउ फाउंड इन पार्ट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग द पेडोमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, ये इन एरिया में आपकी फाउंड होती है. ओके, नाउ ये तो मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर का बता दिया हमने. ओके, और आपको और ज्यादा डिटेल में जाना है तो बस आपको क्या करना है, आपको मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देखना है तो आपको और ज्यादा डिटेल में मिल जाएगा. ओके बच्चा, ना आज का जो है हमारा वो फर्स्ट टाइप की जो सॉइल है आज की क्लास की, वो है लैटराइट सॉइल. ओके, सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लैटराइट सॉइल, तो द वर्ड लैटराइट ड्राइव फ्रॉम विच लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज. ओके, तो अगर हम लैटराइट सॉइल की बात करते हैं तो जो लैटराइट वर्ड है आपका वो कहाँ से ड्राइव किया गया है, ये कहाँ से आया, लैटिन वर्ड से आया. एंड एज यू नो दैट लैटिन इज अ लैंग्वेज जिसका मीनिंग क्या होता है आपका, ब्रिक. ठीक है, ब्रिक मतलब ईट आपकी. ओके, सो द लैटराइट सॉइल डेवलप इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल. और ये जो आपकी लैटराइट सॉइल है, ओके बच्चा, वो डेवलप होती है उन एरिया में जहाँ का टेम्परेचर कैसा हो आपका, हाई हो, और रेनफॉल भी कैसी हो, हैवी हो. दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है आपको. ठीक है, जो लैटराइट सॉइल है वो कौन से एरिया में डेवलप होती है आपकी, टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए और साथ के साथ में रेनफॉल भी कैसी होनी चाहिए, हैवी होनी चाहिए. ओके, नाउ अब कौन कौन से एरिया में ये मिलती है, तो हम एक नाम से अगर मैं आपको शॉर्टकट बताऊं तो सदर्न पार्ट में. ओके बच्चा, जैसे कि एज यू नो दैट कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरिया ऑफ द उड़ीसा एंड आसाम. ठीक है, तो ये आपको ये पता है ये तीनों एरिया कहाँ आते हैं, साउथ में ही आते हैं. ठीक है, मध्य प्रदेश मतलब कि बीच में, सेंटर पार्ट में, और हिली एरियाज, कहाँ के हिली एरियाज, उड़ीसा एंड आसाम के. ओके, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड आसाम. ओके बच्चा, नाउ सुटेबल फॉर कल्टिवेशन विथ एडुकेट डोजेस ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. अब ये जो आपकी सॉइल होती है वो तब कल्टिवेशन के लिए सुटेबल होगी जब उसको प्रॉपर, या बोलेंगे प्रॉपर जो मतलब प्रॉपर उसको मैन्योर एंड फर्टिलाइजर मिलेगा. ओके, जब प्रॉपर या जितनी उस सॉइल को रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर दिया जाएगा या डाला जाएगा उस सॉइल के अंदर, तभी वो क्या होगी, कल्टीवेशन के लिए सुटेबल होगी. ओके, सो लो ह्यूमस कंटेन बिकॉज डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर. ओके, और वहां का जो कंटेन है वो हम क्या बोल सकते हैं, लो ह्यूमस कंटेन है. ठीक है, क्यों, डिकम्पोजर जो है लाइक बैक्टीरिया वो क्या हो जाते हैं, गेट डिस्ट्रॉय. क्यों, ड्यू टू दी हाई टेम्परेचर. ओके, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो ऑब्वियसली बात है ना कि जो आपके बैक्टीरिया एंड ऑल होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. इसलिए तो लो ह्यूमस कंटेन है वो क्या करते हैं, लो ह्यूमस कंटेन क्यों है, डिकम्पोजर्स के कारण लाइक बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर. ओके बच्चा, नाउ द सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी, कॉफी एंड केशनट. ठीक है, क्या बोला जा रहा है, ये जो आपकी सॉइल है ना वो सबसे अच्छी होती है तीन क्रॉप के लिए, टी, कॉफी, केशनट. ठीक है, आपके केशनट क्या होते हैं, आपके काजू, काजू, टी एंड कॉफी. ओके, नाउ अब जो हमारी नेक्स्ट टाइप की सॉइल है बच्चा वो है एरिड सॉइल. ओके, सो एरिड सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर. इसका जो कलर बोला जा रहा है वो किस टाइप का बोला जा रहा है, इसका जो कलर है वो बोला जा रहा है आपका, वो मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं वेरी करता है रेड टू ब्राउन कलर में. ओके, नाउ आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल बिकम कल्टिवेटेड. ठीक है, अगर आप चाहते हो कि वहां आपका एग्रीकल्चर हो
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वहां की जो सॉइल है उसको प्रॉपर इरिगेट करना पड़ेगा। ठीक है, इरिगेशन का मतलब क्या होता है यहाँ आपका, कि पानी प्रॉपर हमें उसको वहां पानी अच्छे से देना पड़ेगा, सिंचाई अच्छे से करनी पड़ेगी उस सॉइल की, तब जाके आप उसको क्या कर सकते हो, उसको एग्रीकल्चर के काम में ले सकते हो। ठीक है, कल्टिवेटेड बना सकते हो उस सॉइल को। लेक ह्यूमस एंड मॉइस्चर बिकम ड्राई बिकॉज ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर मेक एवोपरेशन फास्टर। क्या बोला जा रहा है बच्चा, यहाँ आपका जो ह्यूमस और मॉइस्चराइजर है उसकी यहाँ कमी है। ठीक है, तो लेक्स ऑफ ह्यूमस एंड मॉइस्चराइजर क्यों, क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर है वो कैसा है, ड्राई है, सॉरी वहां का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, ड्राई क्लाइमेट है, और जो टेम्परेचर है वो कैसा है, हाई, जिसके कारण वहां की जो सॉइल का पानी है वो एवोपरेट हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी मतलब आप घर के अंदर अगर पानी को बॉइल करते हो, ओके बच्चा, तो आप देखते होंगे कि जैसे जैसे पानी गर्म होता जाता है वैसे वैसे ही वो क्या होता है, एवोपरेट होता जाता है, धुआं बढ़ के धुआं बन के उड़ता जाता है, राइट। तो यहाँ भी यही होता है, क्योंकि ये जो एरिया है बहुत ज्यादा, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ड्राई है, हॉट है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है, जिसके कारण जो सन रेज डायरेक्टली जब सॉइल के ऊपर पड़ती हैं तो उसके अंदर जो थोड़ा बहुत भी आपका मॉइस्चराइजर रहता है ना, या थोड़ी बहुत नमी रहती है, तो वो क्या हो जाती है, वो उड़ जाती है, एवोपरेट हो जाती है। ओके बच्चा, नाउ सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय एवोपरेटिंग द वाटर। और यहाँ क्या बोला जा रहा है, आपका जो सॉइल कंटेन है इस सॉइल में, ठीक है, इस सॉइल के अंदर जो सॉल्ट कंटेन है वो बहुत ज्यादा हाई है, एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन, कैसे कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय एवोपरेटिंग द वाटर, वाटर को एवोपरेट करके। ओके, अब ये कौन से एरिया में मिलती है, फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। ओके, राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है ना, वहां ये सबसे ज्यादा पाई जाती है या फाउंड होती है। ओके, क्यों, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट में तो सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, राजस्थान में तो पूरे में गर्मी पड़ती है, लेकिन जो वेस्टर्न पार्ट है ना राजस्थान का, वहां तो और सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है बच्चा। ओके, सो द लोअर होरिजोन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर। ओके, जो लोअर होरिजोन है सॉइल का वो कैसे ऑक्यूपाई है, कंकर की वजह से। ठीक है, बिकॉज जिसके कारण क्या हो रहा है आपका, क्योंकि जो कैल्शियम का कंटेन है वो वहां क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो जो डाउनवर्ड है वहां कैल्शियम का कंटेन आपका इंक्रीज हो रहा है, इसलिए जो लोअर होरिजोन है सॉइल का वो किसने ऑक्यूपाई करके रखा है, कंकर ने। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होरिजोन रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, जैसे कि हमने वो देखा, ये लोअर जोन आपका किससे है, लोअर जोन जोन जो है वहां क्या, एक तरह से कंकर की लेयर सी बन गई है। ओके, तो अब ये जो कंकर लेयर फॉर्मेशन हुआ है बॉटम होरिजोन के अंदर, वो क्या कर रहा है, उसके अंदर सॉइल के अंदर वाटर को जाने से रिस्ट्रिक्ट कर रहा, रोक रहा है। ओके, तो रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। इतना समझ में आया बच्चा। नाउ अब जो आपकी लास्ट सॉइल है वो है आपकी फॉरेस्ट सॉइल, जिसको हम फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल भी बोलते हैं। ओके, सो अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ मिलती है आपकी, तो फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनस एरिया वेयर सफिशियंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। ओके, ये कहाँ मिलती है आपकी, हिली और माउंटेनस एरिया में मिलती है, जहां बोला जाता है सफिशियंट रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। गॉट इट। नाउ फीचर डिफर्स बेस्ड ऑन लोकेशन, और ये सॉइल के जो फीचर्स है वो डिपेंड करते हैं। ठीक है, या हम बोल सकते हैं डिफर करते हैं, किसके बेसिस के ऊपर, लोकेशन के बेसिस के ऊपर। ओके, तो इसमें हमने पहली चीज क्या देखी, फाउंड कहाँ है वो आपके हिली एंड माउंटेन एरिया के अंदर, जहाँ वेयर सफिशियंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, जहाँ सफिशियंट रेन फॉरेस्ट क्या है आपके, अवेलेबल है। साथ के साथ में फीचर डिफर बेस्ड ऑन लोकेशन, अब कहाँ की लोकेशन कैसी है उसके बेसिस पे इसकी जो सॉइल है वो डिफर करती है। ठीक है, अगर ज़्यादा पानी होगा तो वहाँ की सॉइल कैसी होगी, लूमी, सिल्ट, ऐसे टाइप की होगी, और अगर आपका जहाँ पानी कम होगा तो वो कोर्स टाइप की सॉइल होगी, रफ टाइप की सॉइल होगी, लाइक दैट। ठीक है, तो उसके टेक्स्चर, उसके कलर में डिफरेंस आ जाता है बच्चा। नाउ लूमी एंड सिल्टी इन वेरी बोलना चाहिए वैली साइड्स एंड कर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लूमी मतलब क्या होता है, चिपचिपा, चिपचिपी सी नहीं हो जाती है, थोड़ी सी गीली गीली सी मिट्टी जो रहती है, तो लूमी एंड सिल्टी जो है वो कहाँ होगी आपकी, वैली साइड। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर वैली ऐसी है तो पानी ऊपर से आएगा तो क्या होगा, वो नीचे ही आके तो जम जाएगा पानी एक तरह से, राइट। अब वो नीचे पानी आता जाएगा तो वहां की जो सॉइल होगी वो कैसी होगी, वो लूमी होगी,
और सिल्टी होगी, क्यों? क्योंकि ऊपर से जितना भी सेडिमेंट होगा, जितना भी हमने बोलना चाहिए उसके क्वालिटी होगी सॉइल की, वो सारी इसके अंदर आके डिपॉजिट हो जाएगी। कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप, अगर जो ऊपर का स्लोप है, ठीक है, जैसे कि माउंटेन, ये माउंटेन है, फिर ये ऐसा है, तो ये वैली हो गई आपकी और ये माउंटेन हो गया, तो ये जो माउंटेन का ऊपर अपर स्लोप है वो कैसा होगा? कर्स एंड ग्रेन होगा, ठीक है, कर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, वहां का जो पानी है वो पूरा नीचे की साइड आ जाएगा और उसके साथ साथ उसके जो सेडिमेंट होंगे, उसमें जो मिनरल्स होंगे, वो भी नीचे की साइड आ जाएंगे, इसलिए वो कैसा हो जाएगा? कर्स रफ टाइप की होगी वहां, ठीक है। एंड सेट इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैली, पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेस एंड एलोवियल फेन्स आर फर्टाइल। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, अब जो आपका वैली का लोअर पार्ट है, ठीक है, वहां आपका सिल्ट मिलेगा, बट वो भी पर्टिकुलरली कौन से रीजन में मिलेगा? जहां आपकी रिवर टेरेस होगी, ठीक है। तो जैसे हमने देखा होगा, हमने एलोवियल सॉइल पढ़ा था, उसके बारे में भी हमने देखा था, जो रिवर है, रिवर के पास का जो एरिया होता है वो ज्यादा फर्टाइल होता है और साथ के साथ में क्या होता है, वही हमारा सिल्ट एंड और सारी सेडिमेंट मिलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो रिवर होती है वो वेव्स उसकी आती हैं और अपने साथ वो सेडिमेंट लेके आती है और बैंक पे, मतलब किनारे पे छोड़ जाती है और वो वेव्स चली जाती हैं, तो जिसके कारण वो डिपॉजिट होते जाते हैं और वहाँ की सॉइल क्या हो जाती है? फर्टाइल हो जाती है। तो बेटा इसमें भी यही होता है, ठीक है, ऊपर से पानी आता है, पानी आता है तो वो नीचे रुकता जाता है, जिसके कारण वहाँ की जो सॉइल होती है वो क्या होती जाती है? एक तरह से फर्टाइल होती जाती है। ओके, गॉट इट ना? ये तो हमने आया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, जिसको आपको जो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने स्पेशली आज डिटेल में थ्री टाइप की सॉइल पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी? लैटराइट सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल एंड एरिड सॉइल, इन तीन के बारे में हमने देखा। और साथ के साथ में आपको इस स्लाइड के अंदर मैंने ये इमेज, ये GIF इसलिए लगाई है जिसके कारण आपको सॉइल की इंपॉर्टेंस पता हो, ठीक है। तो सॉइल एक तरह से क्या है? लाइफ है। क्यों? क्योंकि सॉइल के अंदर आप देख रहे हो कैसे ट्री ग्रो हो रहा है। ओके, तो ट्री है तो हम है। ओके, तो इसलिए सॉइल को हमने क्या बोला है? लाइफ बोला है। नाउ अब मैं एक और चीज आपको बता देती हूँ इस वीडियो के अंदर बच्चा, ये आप जो इमेज है आपकी, आपने देखा होगा आपकी बुक के अंदर भी है। ओके, तो इसके अंदर क्या बताया जा रहा है आपका? इसके अंदर आपको ये मैप दिया गया है एंड इसके अंदर आपको कलर के अकॉर्डिंग समझ में आ रहा होगा, जहां ये ग्रीन कलर आपको देखने को मिल रहा है उसके अंदर आपको क्या बताया जा रहा है? वेट, ठीक है, जिसके अंदर आपको फॉरेस्ट माउंटेनस, मतलब फॉरेस्ट टाइप की सॉइल है ये आपकी ग्रीन, लाइट ग्रीन जो है वो एल्यूवियल सॉइल है, लाइक दैट, ये सब आपको बताया जा रहा है, ठीक है। अगर हम फॉरेस्ट एंड माउंटेन जो सॉइल है उसकी हम बात करें तो वो कैसी है आपकी? ग्रीन कलर की, आप इजिली देख सकते हो बच्चा, राइट। मैं आपको यहां से और इजिली अच्छे से दिखा देती हूँ, पेन हम कर देते हैं वो भी रेड कलर का, राइट, तो आपको ईजी होगा देखने में, ठीक है। ये जो एरिया है आपका, ये पूरा क्या है, ये जो ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है आपका, ये पूरा एरिया क्या है आपका? ये आपका फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल का। अगर हम स्टेट के बारे में बात करें तो एक तरह से कौन कौन से स्टेट हो जाएंगे ये आपका? जम्मू, ये लिखने में मुझे प्रॉब्लम जा रही है, जम्मू एंड सॉरी लिखने में प्रॉब्लम जा रही है, तो आप समझ लीजिए मैं ऐसे ही बोल देती हूँ, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है आपका, आप देख रहे हो इस एरिया में क्या आ रहा है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल, ठीक है। और कुछ जो एरिया है आपका ईस्टर्न साइड का वो भी आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो इधर कौन सी सॉइल आपकी पाई जाती है? फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। ओके, अब हम एलुवियल सॉइल की बात करते हैं, तो एलुवियल सॉइल आपकी कौन सी होती है बच्चा? एलुवियल सॉइल आपकी कहाँ है ये आपको देखने को दिख रहा होगा, ठीक है, दिस। ओके, ये जो सॉइल, ये जो एरिया है वो क्या है आपकी? एलोवियल सॉइल होती है, मतलब कि आपका पंजाब, जो थोड़ा सा आपका पंजाब हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ आपकी एलोवियल सॉइल देखने को मिलती है, हम बोल सकते हैं नॉर्दर्न एरिया, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल की हम बात करें और साथ के साथ में जो एलोवियल सॉइल है ना, आप देखोगे, मैंने आपको बताया भी था कि ये कोस्टल एरिया में भी देखने को मिलती है, ठीक है। कोस्टल एरिया का जो डेल्टा पार्ट होता है ना, यहाँ आपकी कृष्णा, कावेरी, ये महानदी, ये सारी नदियां रहेंगी, इसके ऊपर भी आपको ये देखने को मिलेगी। ओके, नाउ इसके अलावा आपका बोला जा रहा है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल की हम बात करें तो कुछ तो ईस्टर्न पार्ट में आपका होता है ये, ठीक है। एंड ईस्टर्न पार्ट के अलावा आपका ये जो आप पार्ट देख रहे हो ना, ये लाइक, ठीक है, जैसे कि आपका ये जो पार्ट है आपका झारखंड, ठीक है, उड़ीसा एंड ये जो नीचे का तमिलनाडु एंड ऑल, ये जो कुछ कुछ जो एरियाज हैं, ये इधर आपकी क्या होती है, आपकी ये रेड एंड येलो सॉइल मिलती है। ओके,
ब्लैक सॉइल आपकी ये जो मिडिल पार्ट है एक तरह से, ये जो बीच का पार्ट है, ठीक है, मध्य प्रदेश एंड ऑल, यहाँ आपकी कौन सी सॉइल होती है? ब्लैक सॉइल होती है. ओके, लैटराइट सॉइल की हम बात करें तो लैटराइट सॉइल आपकी कहाँ होती है? लाइक दीज एरियाज, ये आप देख रहे होंगे, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, राइट, एंड दिस वन, दिस वन, ठीक है, दिस इज योर, यहाँ आपकी कौन सी एरिया, यहाँ आपको कौन सी सॉइल देखने को मिलेगी? लैटराइट सॉइल. ओके, एंड ये जो आप वेस्टर्न पार्ट देखोगे ना आपका, इधर राजस्थान एंड ऑल, इधर आपकी कौन सी सॉइल देखने को मिलेगी? एरिड सॉइल. ओके बच्चा, आई होप आपको समझ में आया होगा. एंड अभी जो हम मैप सीरीज करेंगे ना, उसके अंदर मैं आपको प्रॉपर स्टेट के साथ बताऊंगी कि कौन कौन सी स्टेट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैप वर्क आता है तो आप उसके अंदर इजिली कर पाए. जब हमारी मैप सीरीज चलेगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी सॉइल होती है. ठीक है बच्चा, अभी के लिए इतना ही. आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको लगता है ये जो लेक्चर है आज का, ये जो आपका वीडियो है, वो आपके लिए हेल्पफुल था, तो आपको क्या करना है? आपको सपोर्ट करना है. कैसे सपोर्ट करोगे जल्दी से बताओ मुझे, सिंपल सा. आपको क्या करना है? मेरी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ. ओके, और साथ के साथ में अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है मेरे, बोलना चाहिए, सब्सक्राइब करना है आपको मेरे चैनल को, एंड आपको प्रेस करना है बेल आइकन को, जिसके कारण कोई भी नोटिफिकेशन आपके मिस ना हो पाए. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको सॉइल इरोजन एज वेल एज टाइप ऑफ सॉइल इरोजन बताऊंगी, सॉरी सॉइल इरोजन और साथ के साथ में कौन कौन से मेजर लिए जाएंगे सॉइल कन्वर्जन के लिए, हम वो देखने वाले हैं. ओके, सो आज के लिए इतना ही बच्चा, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से घर में रहिएगा, स्टे सेफ एट योर होम. ओके, बाय बाय, टेक केयर.